नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंटरव्यू जो मैं ले रही हूँ ऑफ परिमल वाई रावल जी। वो एक एडवोकेट साहब है, उनकी क्वालिफिकेशन है BA LLB, मगर उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग केसेस विच आर रिलेटेड टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये मैं आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो सोसाइटी के अंदर इशू हो रहा है, उस इशू को हैंडल करने के लिए वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक वकील नहीं हूँ और मेरे पास जब एक्सपर्टीज नहीं है उस फील्ड के अंदर की, तो मुझे ऑब्वियसली सहायता की आवश्यकता है बाय प्रोफेशनल्स हु आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। सो दैट इज वाई टुडे वी गोइंग टू बी टॉकिंग विद परिमल जी। इसलिए मैंने भी मास्क पहना है, बिकॉज वी हैव टू वेयर अ मास्क, और दूरी मेंटेन करके हम ये इंटरव्यू आज करने वाले हैं। बिफोर आई टर्न माई कैमरा टू हिम, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ही हैज हैंडल्ड केसेस इन बोर्ड ऑफ नॉमिनी कोर्ट, ही हैज हैंडल्ड केसेस इन ट्रिब्यूनल कोर्ट। जी हाँ, बहुत सारे केसेस को हैंडल करने के लिए जो सोसाइटी रिलेटेड होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ कोर्ट्स होते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम उनसे जानेंगे उनकी जुबानी, बिकॉज ही इज द करेक्ट पर्सन। नमस्ते परिमल जी। सर, अभी आप मुझे बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, और आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा मैं खड़ा कर रही हूँ मेरी सोसाइटी के अंदर, ये सही है या एक पब्लिसिटी स्टंट है? नहीं देखिए, मैं इस फील्ड में करीबन 15 साल से हूँ, और 15 साल से मैं कोऑपरेटिव फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके सोसाइटी का जो आपका खुद का मुद्दा है वो डेवलपमेंट फंड के हिसाब से है, सोसाइटी आपसे डेवलपमेंट फंड ले सकती है या नहीं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्टेट रजिस्ट्रार का एक सर्कुलर है, उस सर्कुलर में स्टेट रजिस्ट्रार ने स्पष्ट कहा है कि सोसाइटी डेवलपमेंट फंड नहीं ले सकती, और अगर कोई सोसाइटी डेवलपमेंट फंड के हेड से कोई भी अमाउंट लेगी तो उसके सामने वो लीगल एक्शन लेंगे। बट इसके ऊपर एक सोसाइटी के कमिटी मेंबर ने कहा कि ये वैलिड है जब आप फ्लैट खरीदते हैं, जब आप फ्लैट खरीदने के बाद एक सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं तो सोसाइटी अपने अनुसार मेजॉरिटी के थ्रू कानून पास कर सकती है, जो कानून उनको रेनोवेशन, डेवलपमेंट, ये सब करने के लिए मेंबर से पैसे लेने को राइट देता है। तो क्या उसका ये लॉजिक सही है? देखिए, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सोसाइटी जो भी रेजोल्यूशन पास कर सकती है वो एस पर लॉ और एस पर बायलॉस कर सकती है। अगर आपके बायलॉस के अंदर डेवलपमेंट फंड लेने का क्लॉज है हाँ। तो आप सोसाइटी ले सकती है, ओके, अदरवाइज नहीं ले सकती है। तो मेरे जो रजिस्टर्ड बायलॉज है, जिनका मैंने RTI करके कॉपी निकाला, वो गुजराती में था, उसका ऑब्वियसली मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी तक नहीं आ पाया है, मगर आप तो गुजराती लैंग्वेज जानते हैं, गुजरात से हैं, आपने क्या वो रजिस्टर्ड बायलॉज पढ़े? हाँ, मैंने वो देखा है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट फंड के हिसाब से कोई हेड नहीं है डेवलपमेंट फंड का, कि कोई भी ये फंड से, ये हेडिंग के नाम से आप पैसे नहीं ले सकते। तो आपको पता है अभी उनका क्या विचारधारा है, क्योंकि सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में वो कह रहे हैं कि हम हेडिंग चेंज कर देंगे, हम रेनोवेशन फंड डाल देंगे, हम रिपेयर फंड डाल देंगे, हमसे गलत हेडिंग डाल दी गई। तो आप समझ रहे हैं, ये लोग इस प्रकार से खुद भी कानून को जानते नहीं है, और कानून को जाने बिना ऐसे कायदे बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कायदे मुझे लगता है कि मेरी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने ऑब्वियसली आपकी सहायता ली, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप मुझे गाइड करें। आप इस फील्ड में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो यू हैव एक्सपीरियंस। तो अभी आपको क्या लगता है कि दो सोसाइटीज जो मैंने सुनी अभी तक, कि एक महालक्ष्मी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और एक सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी है, क्या दो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जिस्ट कर सकती है साथ साथ में? ऐसा मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है कि जब एक हाउसिंग सोसाइटी एग्जिस्टेंस में है तो उसमें दूसरी कोई सर्विस सोसाइटी नहीं बन सकती, आपके अनुसार? हाँ, और एज पर सेक्शन 17 दी गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, सेक्शन 17 में उसका प्रोविजन है कि अगर आप एक में से दो या चार सोसाइटी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेक्शन 17 से के मुजब आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अभी हमें कानूनी तौर से ही कागजात के अनुसार ही बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिफ्ट के अंदर महालक्ष्मी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सर्टिफिकेट है, और हमारा जो सोसाइटी है वो सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी है। तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करी, क्योंकि अभी हमने जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिशन किया है वो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या सबमिशन किया है संक्षिप्त में, विदाउट डिस्क्लोजिंग आर कार्ड्स, बिकॉज वो सबमिशन गुजराती में किया है,
आपके हेल्प से किया है, सो उसके ऊपर आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? वो हमने जो सबमिशन किया है उसके अंदर हमने ऐसा लिखा है कि अगर एक महालक्ष्मी सोसाइटी एग्जिस्टेंस में थी तो उसी जगह पे अगर दूसरी सर्विस सोसाइटी का रजिस्टर करवाया है तो उस वक्त ये करवाते वक्त सोसाइटी में कोई जनरल मीटिंग बुलाई थी या नहीं बुलाई थी या ऐसे ही कर दिया था? सोसाइटी जो ये महालक्ष्मी सोसाइटी है उसके अंदर सुंदरवन एपिटोम बनी है ऐसा आप बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जब एक सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी एग्जिस्टेंस में है तो दूसरी कोई सोसाइटी वहां पे हो नहीं सकती। मैंने आपको पहले बताया उस तरह सेक्शन 17 का जो प्रोविजन है उस हिसाब से सोसाइटी को चलना पड़ता है। तो ये आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो सबमिशन करी है उसमें एक पॉइंट ये डाला है। हाँ, बाकी और क्या क्या पॉइंट्स आपको लगते हैं हम एड्रेस कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में? रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने एक ये पॉइंट ये डाला है कि यहाँ पे महालक्ष्मी सोसाइटी एग्जिस्टेंस में है फिर भी यहाँ पे सुंदरवन एपिटोम उनके नाम की सर्विस सोसाइटी का रजिस्टर हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे को शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले सर। तो वो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले और सर्विस सोसाइटी हो या हाउसिंग सोसाइटी, शेयर सर्टिफिकेट तो हर मेंबर को मिलना ही चाहिए, तो उनका मेन डॉक्यूमेंट है एज ए मेंबरशिप का, तो वो तो देना ही चाहिए सोसाइटी को। क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं पड़ा कि इन्होंने हमको अभी तक मेंबर भी नहीं बनाया, क्योंकि अगर इनके अनुसार जो AGM की मीटिंग हुई है जो वो कहते हैं 26 December 2020 को हुई है तो उसका कोई सर्क्यूलर हमें मिला नहीं, उसका हमें कोई प्रोसीडिंग्स का कागज नहीं मिला, कोई रेजोल्यूशंस जो पास हुए उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इन्होंने अभी तक हमको मेंबर के लिए बनने के लिए भी फॉर्म नहीं भरवाया मगर हमसे पैसे ले लिए। तो मुझे लगता है ये लोग या तो बहुत बेवकूफ है या तो बहुत शातिर है, अब ये डिसीजन तो समय बताएगा। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपको मेंबर नहीं बनाया है तो मेरे हिसाब से तो आप मेंबर है ही नहीं। आप खुद बता रहे हैं कि मेरे को मेंबर नहीं बनाया, ऐसा कोई कागज नहीं साइन करवाया, बराबर है? हाँ। तो आप तो मेंबर है ही नहीं, तो सोसाइटी का कोई भी रेजोल्यूशन आपके ऊपर कैसे लागू होगा? वही ना, तो वही तो मैं ये, तो हम ये मुद्दे को भी एड्रेस करें कि नहीं करें? कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे कि कैसे इन्होंने मेंटेनेंस का जो रेट है वो चेंज किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो रेट है वो 1.5 रुपीज स्क्वायर फीट है और अभी अप्रैल मई जून का रेट जो वो चाहते हैं वो 3 रुपया पर स्क्वायर फीट चाहते हैं, तो इनका मेंटेनेंस का रेट जंप हो गया है। सेकंडली हम सोसाइटी के मेंबर ही अभी तक बने नहीं है तो भी हमने तो गुड फेथ में विदाउट अंडरस्टैंडिंग लॉज ये पैसे भरे बिकॉज वी डिड नॉट वांट द सोसाइटी फंक्शनिंग टू स्टॉप। ये लोग कह रहे थे कि बिल्डर से हमको कंट्रोल मिला है, हमको बहुत मुश्किल से कंट्रोल मिला है, तो हमको नहीं चाहिए था कि इनको कोई फंड्स की प्रॉब्लम हो, मगर ना इन्होंने हमारे साथ कोई ट्रांसपेरेंसी दिखाई है इन टर्म्स ऑफ कि 62 लाख का जो कागज उनको गणेश बिल्डर ने दिया है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वो पैसा तुमने कौन से बैंक में अब जमा किया, बैंक पता है HDFC में मगर किसके नाम से जमा किया, क्या आप किसके नाम पे FD है, कितने कौन कौन लोग सिग्नेटरी अथॉरिटीज है, कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो 62 लाख तो उनके पास ऑलरेडी है। देखिए एज अ मेंबर द गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट सेक्शन 33 में ये हर मेंबर को ये राइट दिया गया है कि वो सोसाइटी से डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं और सोसाइटी जो भी खर्चा करते हैं या जो भी मेंटेनेंस में जो कुछ भी कामकाज करते हैं जो पैसा खर्चते हैं तो वो उसका हिसाब देना वो सोसाइटी के ऑफिस बेरर की वो जवाबदारी है। मगर जो सोसाइटी का ऑफिस बेरर है कल जब उससे ये जवाब सवाल कर रहे थे मेरे पिताजी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में तो वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पेड सर्वेंट्स नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप जॉब से इस्तीफा दे दीजिए अगर आप पेड सर्वेंट्स ये जोन में जाना चाहते हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उसको राइटिंग में दो, है ना, आप राइटिंग में दो एप्लीकेशन, उसको बोलो कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए एज पर सेक्शन 33। तो वो हमने एक डॉक्यूमेंट तो उनसे मांगा है ना, ये जो हमने सारे लिखित में हमने उनको दिए हैं, बट ये कहाँ का जोन है कि आप कह रहे हैं कि भैया आप चेयरमैन है सोसाइटी के और आप कह रहे हैं मेरे पिताजी को जो आपसे उम्र में बड़े हैं कि भैया मैं पेड सर्वेंट नहीं हूँ, मेरे पिताजी तो आपसे खाली कागज मांग रहे हैं। जायज तरीके से हमने रजिस्टर्ड AD भेजा, हाथ से मैनेजर को भी भेजा, अब व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट्सएप पे इंटिमिडेशन देना कि भैया AGM ये तारीख को है, क्या वो सफिशिएंट है AGM होल्ड करने के लिए कानूनी तौर से? उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये जो कोरोना का जो काल चल रहा है उसके लिए ये सब अभी ये फैसिलिटी जो देते हैं इस व्हाट्सएप पे जो डालते हैं उसको थोड़ा अभी गवर्नमेंट भी उसको
मान्य गिनती है, ठीक है। तो 26 दिसंबर को उन्होंने हमको मान्य गिनती सपोज व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी, तो ये वो समझ रहे सही है। मगर हमको वो मीटिंग पे जो जो हुआ था वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे नहीं दी, वो रेजोल्यूशन हमको व्हाट्सएप पे नहीं दी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि वो एक्सप्रेस सेक्शन 33 के हिसाब से आप उसके सोसाइटी से ये मांग सकते हैं, और वो देना वो सोसाइटी की जवाबदारी है, ठीक है। तो अगर उनके पास ऑफिस वेयर ऑफ द सोसाइटी, हाँ, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो कोरोना की वजह से वो व्हाट्सएप पे प्रोसीडिंग्स की भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, रेजोल्यूशन की भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। ईमेल भी कर सकते हैं, मगर हमको ऐसा कोई ईमेल नहीं मिला, ठीक है ना। अगर आप सर्कुलर की बात कर रहे हैं कि सर्कुलर हाथ से नहीं दिया, तो ईमेल तो कर ही सकते हैं ऑफिस बेयरर्स, मगर हमको ऐसा कुछ ईमेल नहीं भेजा, ना हमें सोसाइटी में एडमिट करने के लिए कोई फॉर्म भेजा जो हम साइन करके स्कैन करके भेज दे, आप समझ रहे। तो ये बात नहीं है कि हम उनको डाउट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मगर जिस प्रकार से आपने अभी कोरोना काल में एक ड्राफ्ट भेजा, जो जनरल बायलॉज का ड्राफ्ट आपने प्रपोज किया था, वो ड्राफ्ट आपने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके भेजा, गुजराती में भी ट्रांसलेट करके भेजा, तो वो जब आप भेज सकते हैं लिखित रूप में, तो आप बाकी सब चीजें भी हमें लिखित रूप में दे सकते हैं, है ना। क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि भैया हम ऑब्वियसली नए नए सोसाइटी को बना रहे हैं, नए नए चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो पैसों को भी आप नए नए तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक से अपना अकाउंट निकालकर HDFC एक प्राइवेट बैंक में डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों बैंक में हम RTA अप्लाई नहीं कर सकते, एक कोऑपरेटिव बैंक है एक प्राइवेट बैंक है, कोई भी पब्लिक बैंक नहीं है, मगर आप जब ये सब चीजें कर सकते हैं पहली बार ऑफिस बेयरर्स होने के बावजूद, तो आप इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं ना कि 62 लाख आपने किसके नाम से FD में जमा किए, क्या आपके ऑफिस बेयरर्स है, क्या इंटरेस्ट रेट है। क्योंकि अगर आप अभी मेंटेनेंस का पैसा भी चाह रहे हैं, तो आपका मेंटेनेंस का पर स्क्वायर फीट रेट तो बदल रहा है, पहले 1.5 था अब 3 हो गया, और वो आप चाह रहे हैं कि 3 महीने का आप एक साथ ले ले। जब आप 3 महीने का एक साथ लेते हैं, ये थॉट प्रोसेस को हम समझ नहीं पा रहे, जब सारे सोसाइटीज के अंदर हर महीने पेमेंट ली जाती है, क्योंकि मेरा एक घर बॉम्बे में भी है, तो सबको सब कुछ पता है, यहाँ पे अहमदाबाद में भी हमारा एक दूसरा घर है, तो हर एक सोसाइटी के अंदर अगर आप एडहॉक एक साल की पेमेंट करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलता है, 6 महीने की पेमेंट करते हैं डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे इनको 3 महीने की पेमेंट चाहिए, वो भी एक साथ, और अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करें, तो हर दिन 100 रुपया लगेगा। तो इस पे आपकी क्या राय है बताइए। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सोसाइटी एज मेजोरिटी मेंबर के साथ मिलकर रेजोल्यूशन पास कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप बता रहे हैं कि ये 1.5 रुपए की जगह पे 3 रुपया किया है, तो उसके लिए भी सोसाइटी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया होगा जनरल बॉडी में या स्पेशल जनरल मीटिंग में, ऐसा कुछ बुला के पास किया होगा। अगर नहीं किया है तो वो सोसाइटी उस तरह से नहीं ले सकती। तो अगर उन्होंने रेजोल्यूशन भी पास किया, क्योंकि मेजोरिटी उनके साथ है, ये मेजोरिटी का जो दिखावा है ये सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में दिखता है, मुझे मेजोरिटी से डर नहीं है, मगर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ परिमल जी कि अगर इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास भी किया, तो बनता है कि वो रेजोल्यूशन हमको ईमेल करे, व्हाट्सएप करे, जैसे उन्होंने हमको AGM की इंटीमिडेशन दी व्हाट्सएप द्वारा, और वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, सोसाइटी के व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। बिकॉज अगर आप कोरोना का एग्जाम्पल लेकर कह रहे हैं कि हम सर्कुलर नहीं दे सकते, तो आपको उसी नजरिए से बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी हमको देनी चाहिए, ठीक है ना। चित भी तुम्हारी पत भी तुम्हारी, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अगर उन्होंने हमको AGM के बारे में इन्फॉर्म किया, मगर AGM में जो रेजोल्यूशन पास हुई उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो प्रूफ तो उनके पास होना चाहिए ना व्हाट्सएप पे कि क्या पास किया नहीं किया है। तो अभी आप उनको उनको रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दो कि आपने इस AGM में क्या पास किया, उसका सब रेजोल्यूशन हमको दो। हाँ, तो वो तो हमने कागज दे दिया है ना उनको, हमने उनसे कागज मांगा है, तो उसके ऊपर चेयरमैन ने बोला है कि हम अभी अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि जब हम फ्री होते हैं तब क्या जवाब देना। ऐसा नहीं होता, बट आप उनका रवैया देखिए ना, रवैये से प्रॉब्लम है परिमल जी, बात पैसे देने से भी नहीं है। क्योंकि मेरे पिताजी पैसे के मामले में इतने वो है कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं सारे पैसे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो इंसान का एथिक्स ऐसा है, वो इंसान को तो मिस गाइड करो, क्योंकि इन्होंने मिसगाइड किया ये जनरल ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड बायलॉज से भी, जो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते थे जब तक AGM नहीं होती। उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन गलत कवर नोट के साथ वो सर्कुलर भिजवाया, जिसकी वजह से मुझे रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाकर RTI फाइल करनी पड़ी, क्योंकि वो सारे जो क्लॉज थे इतने फनी थे। और बिकॉज आई एम अ पब्लिक फिगर, मैं थोड़ा इश्यूज के ऊपर बात करती हूँ, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ,
तो मेरे इंटरेक्शन होते हैं मीडिया के साथ, यू नो, तो मैं इस तरह से अपने ही घर में बंद नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्लॉजेस डाले थे कि भैया अगर कोई मॉब आता है, आप समझिए, कोई मॉब आता है सोसाइटी के अंदर और वो मॉब सोसाइटी के अंदर आके नाश करता है, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो जिसके नाम से वो मॉब आ रहा है वो इंसान उसका सारा भुगतान करेगा। ये कहाँ का लॉजिक है मुझे बताइए। इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन फैसिलिटी जो है वो सोसाइटी के मेंबर्स के लिए है। तो सोसाइटी के मेंबर्स के पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी मेंबर्स चाहे तो सोसाइटी को मेंबर्स उसको यूज कर सकता है। लेकिन ये आपने बताया कि सोसाइटी ऑफिस बेरर ये आपके लिए ये ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि आप मीडिया वगैरह को इकट्ठा कर देते हो और आपका जो भी मीडिया का जो काम इंटरेक्शन होता है वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी उन्होंने बताया ऐसा हो सकता है, तो उसके हिसाब से सोसाइटी को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी वजह से हुआ ऐसा वो प्रस्तावित कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव वो करे उसके पहले मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि मैंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करी नहीं है, क्योंकि पहले जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी, जब मेरा एक बूंदी राजस्थान में इशू हुआ था जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, एंड जब मैं वापस आई तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मगर इन्होंने मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी दे। तब उनके पास कंट्रोल ही नहीं था सोसाइटी का, तब बिल्डर के पास कंट्रोल था, और मिस इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने मुझे रोका, और मैं उस समय इनके साथ नहीं आर्ग्यूमेंट करना चाहती थी, बिकॉज मेरी सोच नहीं थी कि मैं यू नो डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं, एज इट इज एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैल गई थी मेरे बारे में। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये लोगों ने पहले भी मेरे साथ यू नो जाति करी है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन द्वारा, तभी उनके पास राइट नहीं था ये ऑर्डर पास करने का, तो भी उन्होंने किया, बिल्डर के पास कंट्रोल था। और आज की तारीख में अगर वो ऐसे कुछ कानून के ऊपर डिस्कशन भी करना चाहते हैं परिमल जी, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर वो ऐसे कोई कानून के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे भी बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पे पार्टी प्लॉट, जहां पे ये जो योगा रूम है सोसाइटी का प्रिमाइसिस है, यू नो इंगेजमेंट पार्टी, डांस पार्टी, शादियों के लिए यूज किया जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर उनको मेरे इश्यूज से प्रॉब्लम है तो मुझे भी उनके इश्यूज से प्रॉब्लम है। वो एक तरह से फैमिली 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 कहते हैं, मगर उनको सिर्फ मेजोरिटी को जो पसंद है वो रूल्स पास करने हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कानूनी तौर से अगर 7/12 का कागज है हमारे पास, हम भी ओनर्स हैं लैंड के, जो लैंड के ऊपर हमारा ये बिल्डिंग बनी है, तो उसके अनुसार क्या मेरी फंडामेंटल राइट नहीं है बीइंग अ पब्लिक पर्सन, अपने इंटरव्यूज करना, इंटरेक्शंस करना मीडिया पर्सन के साथ सोसाइटी के प्रिमाइसेस के अंदर, और ये जो मॉब वाला एंगल है ये कहां से सही है? देखिए, उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप सोसाइटी के मेंबर हैं, सोसाइटी के साथ आपको रहना है, अगर उनको प्रॉब्लम है तो आप उनसे परमिशन लेके कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा सोसाइटी में ऐसा कोई नियम बनाया है कि चलो कोई अपने पर्सनल वर्क के लिए कोई यूज करेगा प्रॉपर्टी तो उसको इतना भाड़ा देना होगा, तो वो भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने भाड़े की बात मेरे मुद्दों में नहीं करी है, इन्होंने भाड़े की बात अपने मुद्दों में करी है, जहाँ पे अगर उनके मुद्दों के लिए सोसाइटी यूज की जाए तो इतना इलेक्ट्रिसिटी देना है, मेरे मुद्दों को तो उन्होंने रफा दफा ही कर दिया है। तो ये जो रफा दफा करने का औहदा है ना, ये मुझे जमता नहीं है। आप समझ रहे हैं, पैसे देने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिस प्रकार से आप अपने अनुसार कानून बनाते हो उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इनके बच्चे या गार्डन में खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उसी गार्डन में अगर मुझे बैठ के अपना 2 मिनट का फोटोशूट करना है, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं कर रही हूँ उनके कोई कॉमन एमिनिटीज का, मैं बाहर से ही शूट कर रही हूँ, तो मुझे सोसाइटी की लोकेशन यूज करने से वो रोक नहीं सकते, आप समझ रहे हो? मगर वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि मुझे सोसाइटी की लोकेशन यूज करने से स्टॉप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर के बाहर लिफ्ट से लेके जहां तक गेट है सब कुछ कॉमन एमिनिटीज है एज पर उनका प्रपोज्ड बायलॉज। जो रजिस्टर्ड बायलॉज है उसके बारे में तो हम अभी डिस्कशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करना चाहते, मगर जो उनकी सोच है वो सोच बड़ी एग्रेसिव है, अथॉरिटेटिव है, जहां पे मेरे राइट्स क्रश हो रहे हैं। आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो आप बात करो, आप समझ रहे हो, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, मगर आप किसी उस मुद्दे पे बात करे बिना सिर्फ मैटर को रफा दफा कर दो तो ये गलत है, आप समझ रहे हो? As a member, you have also right. Yeah. आप खर्चे की बात कर सकते हो, मगर आप रफा दफा नहीं कर सकते कोई मेंबर के राइट को।
आपको लगता है कि आपके बच्चे 5 साल के हैं तो उनका राइट है लाइब्रेरी में बैठ के एसी चालू करके बुक पढ़ने का। अगर मेरे जो परिवार के लोग हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लाइब्रेरी बैठ में बैठ के एक इंटरव्यू करें एसी चालू करके, तो वो हमारा राइट है। आप समझ रहे हैं? आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर सहमति रखनी है, सुख शांति रखनी है। आपका राइट राइट, हमारा राइट राइट नहीं, ये गलत अप्रोच है। आप समझ रहे हैं?